हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्निकल 24x7। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस टूल की मदद से आपके जो कीवर्ड्स है उस पर जो CPC मिलता है उसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको जो CPC मिल रहा है वो $0.01 है, तो आप इस टूल की मदद से उस CPC को जितना हो सके आपके तरफ से एफर्ट डाल के उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये 101% काम करेगा, लेकिन आपके CPC पे ज़रूर इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये टूल खुद गूगल की तरफ से है, तो ताकि यूज़र्स लोग अपने वेबसाइट पे होने वाले कीवर्ड्स, अपने वेबसाइट पे होने वाले जो कीवर्ड्स, जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जो YouTube में वीडियोस पे जो आप कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आप पता लगा सके कि ये वर्ड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, कितने बार यूज़ होते हैं। गूगल ने खुद ये टूल डेवलप किया है ताकि यूज़र्स इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सके। तो ये वीडियो ज़रूर देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले ब्राउज़र में जाके गूगल पे ओपन करके आप एडवर्ड क्लिक कर लीजिए। तो गूगल एडवर्ड की एक साइट रहेगी, ये आ जाएगी, इस पर आप क्लिक कीजिए। आप चाहे तो इसे ओवरलुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक कीजिए। अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं बना है तो ये जैसे आप जीमेल में अकाउंट बनाते हैं सेम यहाँ पर आप ऐसे अकाउंट बना लीजिएगा। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट है तो आपको ये डायरेक्टली इस पेज पर ले जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक कैंपेज रन है, तो यहाँ से आप टूल्स पे जाइए। टूल्स पे जाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड प्लानर, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको ये इंटरफेस देखने मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि फाइंड अ न्यू कीवर्ड एंड गेट सर्च वॉल्यूम, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हैं, सर्च फॉर कीवर्ड यूजिंग फ्रेज, वेबसाइट और कैटेगरी, सर्च वॉल्यूम डाटा एंड ट्रेंड्स मल्टीपल कीवर्ड्स। तो आप यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है सर्च फॉर न्यू कीवर्ड, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप अपना वो कीवर्ड डाल सकते हैं, योर प्रोडक्ट और सर्विस जहाँ पे लिख कर है यहाँ पे आप अपना वो कीवर्ड डाल सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट या कोई URL है वहाँ से अगर आपको कीवर्ड्स देखना है तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं, या आप कोई स्पेशल प्रोडक्ट कैटेगरीज, लाइक स्पेशल प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो यहाँ पे आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप टारगेटिंग एरिया में जाएंगे, तो यहाँ पे आप कौन से लोकेशन में उस कीवर्ड को टारगेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया है। अगर आपको USA सिलेक्ट करना है या कोई भी अदर कंट्रीज या एरिया का सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सजेस्ट की है। देन यहाँ पे जो डेट रेंज है ये शो एवरेज मंथली सर्च फॉर लास्ट 12 मंथ्स, मैंने ये 12 महीने का मीन्स एक साल का एवरेज निकलना चाहिए, मैंने उसके हिसाब से सर्च किया है। तो आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसे 2 महीने 6 महीने इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो हम जैसे एक कीवर्ड सर्च करते हैं एंटीवायरस, और इसे सेम ऐसे रख के मैं इस पर गेट आइडिया पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं एक इंटरफेस, एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे लिख के आ रहा है एंटीवायरस 1 मिलियन, 10 मिलियन हाई एंड 7.74 पैसा। तो ये सब चीज़ें क्या है? तो आपने जो कीवर्ड सर्च किया है उस कीवर्ड का ये नाम यहाँ पे बता रहा है। देन एवरेज मंथली सर्च मीन्स ये 12 महीनों में ये जो मंथली जो इस कीवर्ड की जो सर्च हुई है वो 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये सर्च किया गया है यूज़र्स से, तो ये 1 मिलियन से 10 मिलियन बार ये कीवर्ड सर्च किया गया है। देन उसके बाद में ये जो कॉम्पिटिशन हाई लिख कर है, ये कॉम्पिटिशन मीन्स जैसे आप ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करिए तो देख सकते हैं वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग बिडिंग ऑन ईच कीवर्ड रिलेटिव ऑल द कीवर्ड अक्रॉस द गूगल। मीन्स ये जो कीवर्ड है ये अलग अलग एडवर्टाइजिंग जो लोग जो कर रहे हैं वो इस कीवर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन हाई का मीन्स मतलब ये होता है कि ये जो कीवर्ड है ये बहुत से एडवर्टाइजर लोग इस कीवर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे सजेशन में आप वो कीवर्ड ज़रूर सिलेक्ट कीजिए जिसकी कंपटीशन लो हो लेकिन उनका मंथली सर्च अच्छा हो और आपको सजेस्टेड बिड भी अच्छी लाइक लगभग 5 से लेके 50 या उसके ऊपर मिल जाए। तो सजेस्टेड बिड मीन्स क्या होती है? तो ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड जो एडवर्टाइजर्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कीवर्ड के लिए वो लोग 7.74 पैसा देने को तैयार है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं A suggested bid is calculated by looking at a cost per click means CPC
दैट एडवर्टाइजर्स आर पेइंग फॉर अ कीवर्ड, कि जो एडवर्टाइजर्स लोग हैं, मान लीजिए मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ, तो मैं अपने लिए एक एडवर्टाइज क्रिएट करता हूँ और मैं उसमें डालता हूँ कि मैं ये कीवर्ड जहाँ पे भी सर्च, जहाँ पे भी ये कीवर्ड सर्च किया जाए, उस कीवर्ड के पास में, आजू बाजू में, कहीं पे भी, चाहे वो वेबसाइट हो, तो मेरी ऐड शो करे, तो मैं इस कीवर्ड के लिए इतने रुपए देने को तैयार हूँ। मीन्स ये जब भी ये कीवर्ड सर्च होगा और मेरी एड्स आएगी और मेरे ऐड पे जब भी कोई क्लिक करेगा, तो मेरे अकाउंट से लगभग 7.74 पैसा डिडक्ट होगा। मीन्स ये पैसा मेरे से जाएगा और जहाँ पे ये ऐड दे रही है उसको ये पैसा मिलेगा। तो ये जो सजेस्टेड बीड है, ये सिर्फ 7.74 पैसा ही परमानेंट नहीं रहता है, ये आप बोल सकते हैं एक मिनट, एक सेकंड या एक घंटे में भी चेंज हो सकता है। क्योंकि मैं एडवर्टाइज़र हूँ तो मैंने सजेस्टेड बीड इसकी 7.74 पैसा डाला है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है, तो मैं इसकी सजेस्टेड बीड इंक्रीज़ कर दूंगा, लाइक 15 रुपये कर दूंगा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी एड्स को, तो मैं इसको 15 रुपये से इसको 2 या 3 रुपये पे कर दूंगा। तो ये लगभग चेंज होते रहता है, लेकिन जो एवरेज रहता है उसका ये इसी तरीके से शो करता है। तो आप ये बात लगभग ये सब चीज़ों को समझ चुके हैं। तो ये जो वर्ड आपने, जो कीवर्ड जो सर्च किया था, इस कीवर्ड से रिलेटेड नीचे में आप जाएंगे तो और भी कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे एवरेज मंथली सर्च, कंपटीशन सजेस्ट बीड। तो इन पे आप जब क्लिक करेंगे, ये जो आइकॉन चेंज हो रहा है, इन पे क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से इनको सॉर्ट आउट कर देगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि देख सकते हैं एंटीवायरस का जो वर्ड है, रिलेटेड वर्ड फ्री एंटीवायरस, ये 10K से लेके 100K तक के मंथली सर्च हो रहा है। इसका कंपटीशन हाई है और इसकी सजेस्टेड बिट 7.21 पैसा है। मींस अगर मैं कोई कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियो में, फ्री एंटीवायरस, तो इस स्टॉक कीवर्ड को 10,000 से लेके 1,00,000 मंथली सर्च मिल रहे हैं, लेकिन इसका कंपटीशन हाई है। मींस ये जो कीवर्ड है, ये बहुत से एडवर्टाइजर्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि मैंने अगर ये कीवर्ड पे एड डाल दिया है, जो कि मेरे को इतने रुपए में सजेस्टेड बीड मुझे देना पड़ेगा, तो ये जो कीवर्ड जब कोई सर्च करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें मेरी ही ऐड शो हो, क्योंकि इसका कंपटीशन हाई है। तो जो और भी कोई एडवर्टाइजर्स लोग होंगे, उनमें रैंडमली किसी की भी ऐड यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप ऐसे कीवर्ड सजेस्ट कीजिए या ऐसे कीवर्ड सिलेक्ट कीजिए जिसके कॉम्पिटिशन लो हो। जैसे आप देख सकते हैं अवास्ट एंटीवायरस डाउनलोड, इसका सर्च अच्छा है मंथली 10K से लेके 100K तक के, देन इसके कंपटीशन है लो और इसके सजेस्टेड बीड भी आपको अच्छी मिल रही है 14 रुपये लगभग। ये ओवरऑल देखा जाए तो ये बेस्ट कीवर्ड रहेगा अगर आप इसी कुछ टॉपिक से वीडियोस बनाते हैं या इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं। तो जब भी कोई, अगर मैंने इस टॉपिक पे अपनी एड पोस्ट की, या जिस किसी ने भी, जो कोई भी इस टॉपिक पे अपनी एड डाला है, तो मैंने इस टॉपिक, जब भी इस टॉपिक पे कुछ चीज़ अपलोड करूँगा, चाहे वो वेबसाइट पे हो या यूट्यूब पे हो, तो जो एड्स आएगी उस पे इस टॉपिक से रिलेटेड, उस एड का CPC मुझे 14 रुपये मिलेगा। तो अगर मैं पब्लिशर के तौर पे हूँ, लाइक मैं यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, तो मैं पब्लिशर हूँ, तो मुझे CPC इतनी मिलेगी। अगर मैं वेबसाइट पे कोई ये टॉपिक के बारे में एड्स डालता हूँ, तो मुझे CPC इतनी, मुझे उस पे क्लिक्स पे, पर क्लिक पे इतनी मुझे CPC मिलते जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप कीवर्ड प्लानर की मदद से मंथली सर्च, उनके कंपटीशन, उनके सजेस्टेड बिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको, जैसे कि आप, मैंने इसे बैक करके देख लिया, तो अगर आप कीवर्ड प्लानर की मदद से कोई ऐसे टॉपिक पता करना चाहते हैं जिसकी, जो टॉपिक पे आप वीडियोस बनाए उस पे आपको अच्छे से अच्छी ऐड शो हो, तो उसके लिए आप ये प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाइए। देन जैसे समझ लीजिए आपका एक चैनल है ब्यूटी पर्सनल केयर से रिलेटेड, तो ब्यूटी पर्सनल केयर पे चले जाइए। देन यहाँ पे आप एक नेल केयर से रिलेटेड कोई टॉपिक या कोई वीडियो सर्च करें, तो नेल केयर पे क्लिक कर लीजिए। इस पे अगर आपको सब कैटेगरी इस पे सिलेक्ट करना है तो क्लिक सिलेक्ट कीजिए, वरना इसे गेट आइडिया पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नेल केयर का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे जो नेल आर्ट, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे लगभग 1,00,000 से लेके 10,00,000 सर्च मंथली हो रहे हैं। इसका कंपटीशन भी लो है और इसकी सजेस्टेड बिड भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप एक टॉपिक ढूंढना चाहते हैं, एक टॉपिक ढूंढ रहे हैं अपने चैनल पे, और आपका चैनल ब्यूटी टिप्स या ब्यूटी चैनल से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली नेल आर्ट पे जा सकते हैं। नेल आर्ट का टॉपिक सिलेक्ट कीजिए,
इसके ऊपर में आप वीडियो क्रिएट कीजिए और ये कीवर्ड ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, तो आपको जो मंथली सर्च लगभग मिलेगा वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के कुछ मिलेगा, और इसमें कंपटीशन भी बहुत लो है, और इसमें सजेस्टेड मींस आपके इस टॉपिक पे, इस कीवर्ड के ऊपर में जो एड्स आएगी उस पर जो आपको CPC मिलेगा वो डेफिनेटली 34 या इसके आसपास रहेगा। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये कीवर्ड प्लानर कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसके इस्तेमाल करके आप टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे CPC देख सकते हैं, मंथली एवरेज सर्च देख सकते हैं, उनका कंपटीशन हाई है लो है वो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा कीवर्ड प्लानर के रिलेटेड, गूगल एडवर्ड से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोज़ अगर देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन फ्री है, आप मेरे चैनल पर जाके डायरेक्ट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के नीचे में जो दिखाई दे रहा है इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस रिंगिंग बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस डालूँ तो आप तक वो वीडियो ज़रूर पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो गाइस अगली बार में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को लेके मिलता हूँ, तब तक के लिए गाइस आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ, थैंक यू।